योर सब गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है निखिल सैनी और आप देख रहे हैं टेक्नो किंग यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन में आईफोन जैसा सिम कैसे लगा पाएंगे, और सिर्फ आईफोन जैसा नहीं, आप अलग अलग तरह के अपने फोन में थीम लगा पाएंगे। तो ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन में आईफोन जैसा थीम या फिर अलग अलग तरह के थीम कैसे सेट कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको GTA Vice City, GTA 3 या फिर हिटमैन स्नाइपर अगर आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है, तो मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बना रखी है। आप उन वीडियो को देखकर अपने फोन में GTA 3, GTA Vice City और हिटमैन स्नाइपर गेम को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में सजेशन आ जाएगा, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख पाएंगे। तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में आईफोन जैसा थीम या फिर कोई सा भी थीम सेट करने के लिए सबसे पहले एक लॉन्चर डाउनलोड करना होगा। लॉन्चर आपको सिंपली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसका नाम है एक्स लॉन्चर प्रो। तो उसका जो प्रो वर्जन, अगर आपको बिना एड वाला वर्जन चाहिए, वो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। आप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उसमें थोड़े से एड्स आएंगे। अगर आपको बिना एड उसका मोड लॉन्चर चाहिए तो वो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है technoking500.blogspot.com। अगर आप ये गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप उधर से जाकर उस वेबसाइट में सर्च बार मिलेगा, सर्च बार में आपको टाइप करना है एक्स लॉन्चर प्रो, तो आपके पास डाउनलोडिंग लिंक आ जाएगा। आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको मोड एपीके का लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उधर से भी डाउनलोड कर लीजिए। तो वो डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने फोन की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको होम वाले सेक्शन में चले जाना है। अगर आपको होम वाला सेक्शन नहीं मिले तो आप अपनी सेटिंग्स में सर्च भी कर सकते हैं होम का सेक्शन, तो आपके पास होम का सेक्शन आ जाएगा। आप होम के सेक्शन में जाएंगे तो आपको दो लॉन्चर वहां पर देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपका जो बाय डिफॉल्ट फोन के साथ आता है वो, और एक जो आपने इंस्टॉल किया है। तो आप जो इंस्टॉल किया है, आपने जो इंस्टॉल किया है उस पर आपको टैप कर देना है। उस पर टैप करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद तो आप देखेंगे कि आपके फोन में आईफोन जैसा लॉन्चर सेट हो जाएगा। तो अब आपको उस लॉन्चर में थीम देखने को मिल जाएंगे, वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे, ऐप हाइड देखने को मिल जाएगा और एनिमेशन इफेक्ट विडगेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप उनमें से सबसे पहले आप थीम कैसे लगा सकते हैं, थीम लगाने के लिए आपको थीम वाले आइकन पर टैप करना होगा। थीम वाले आइकन पर टैप करने के बाद आपको इतने सारे थीम मिल जाएंगे, आप उधर से कोई भी थीम एकदम फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, मैंने ये वाला थीम चूज कर लिया। अब मुझे ये थीम लगाना है, तो आप इन यूज थीम पर टिक कर दीजिए, तो आपका थीम सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फोन में अलग अलग थीम भी लगा पाएंगे या फिर आप आईफोन वाला थीम भी यूज कर पाएंगे। तो अब आपको वॉलपेपर कैसे सेट करना है, आपको सिंपली वॉलपेपर वाले आइकन पर चले जाना है, आपको उस ऐप में मिल जाएगा। तो आप वॉलपेपर में जाएंगे तो आप उसी तरीके से जैसे थीम लगाते हैं कोई भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर लीजिए, सारे फ्री हैं, आप कोई सा भी लगा लीजिए जो आपको पसंद है। तो इस तरीके से आप वॉलपेपर भी सेट कर पाएंगे, और आपको इस ऐप में आईफोन जैसा नोटिफिकेशन पैनल भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको उस नोटिफिकेशन पैनल को ऑन करना है तो आपको स्वाइप डाउन करना पड़ेगा। अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो आपका वो नोटिफिकेशन पैनल ऑन हो जाएगा। आप उधर से लॉन्चर सेटिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, आप उधर से लॉन्चर की सेटिंग भी कर पाएंगे। आपको इस ऐप में विजगेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब आपको विजगेट कैसे सेट करना है, जैसे टाइम वाला होता है या फिर अलार्म वाला होता है या फिर सर्च वाला होता है या फिर अलग अलग तरह के विजगेट जो आपके फोन में इंस्टॉल होते हैं वो, उसमें आपको कैसे ऑन करना है। तो उसको ऑन करने के लिए आपको होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद आपके पास विजगेट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उधर से अलग अलग तरह के विजगेट लगा सकते हैं। और आपको विजगेट के साइड में ही इफेक्ट्स का ऑप्शन यानी कि एनिमेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा।
आप उधर से स्क्रॉलिंग एनिमेशन सेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके, जैसे क्यूब के लगा सकते हैं या फिर रैंडम इफेक्ट। रैंडम इफेक्ट में सारे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। रैंडम इफेक्ट अगर आप चूज करेंगे तो आप अलग बार बार स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग एनिमेशन चेंज होते रहेंगे, तो आप इस तरीके से एनिमेशन भी सेट कर पाएंगे। और सिर्फ एनिमेशन ही नहीं, आप इस लॉन्चर की मदद से अपने एप्स को भी हाइड कर पाएंगे। अगर आप होम बटन पर दोनों उंगली से स्वाइप करेंगे, दोनों उंगली से ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपको हाइड ऐप का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप उधर से पासवर्ड सेट करके अपने एप्स को हाइड भी कर पाएंगे। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर पूरी तरह से आईफोन जैसा दिखेगा, आप अपने फोन में पूरी तरह से आईफोन जैसा थीम लगा पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने फोन में भी आईफोन जैसा थीम सेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं ऐसी ही वीडियो रोजाना लाता रहता हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ऐप को डाउनलोड करने में या फिर मोड ऐप को डाउनलोड करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर दीजिए।